छोड़ के आ गई वो गहने? रितेश दे रहा था ना तो ले लेती। वो हमारे गहने हैं, हमारे घर में होने चाहिए। तुझसे बात कर रही हूँ मैं। क्या बात कर रही है आप? क्या जानना चाहती है आप मौज? मैंने रितेश से गहने क्यों नहीं लिए? क्यों लेती? मौज दान दे रहा था वो। भिखारी है हम। ये आप अपने गहनों में इतना खो गई कि वहां क्या हुआ समझ तक नहीं पाई। मौज भूल गई आप उसने जूर को छीनने की धमकी दी है। क्या? तो दे दे उसी को, कहानी खत्म हो जाएगी। मौज बेटी है वो मेरी, कोई खिलौना नहीं है। कितनी बार तुझसे कहूं कि वो तेरी बेटी नहीं है? आपके ना कहने से मेरा और जून का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। आपकी कसम की वजह से आज तक मैंने जून को लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप आज तक जून को इस घर का और मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं मान पाई। कुछ फायदा नहीं हुआ इतने सैक्रिफाइसेस का, कुछ फायदा नहीं हुआ इतनी झगड़ों का, लड़ाइयों का, इतना समझाने का। आपने वही किया जो आप चाहती थी। मैंने कहा था ना आपसे मैं कल रितेश से जाके बात कर लूंगी, फिर भी आप नहीं मानी। किसी को भी बिना बताए वहां चली गई। क्यों? अपना हक लेने गई थी। मेरे गहने थे वहां, वही लेने गई थी जो मैंने तेरे शादी के लिए गहने बनवाए थे। मैंने नहीं कर रही है मुझे शादी। नहीं रहूंगी मैं खुश इस शादी से। जून ही मेरी खुशी है। क्यों समझ में नहीं आता मुझे आपको? फिर जून, 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 उसके सिवा ना तुझे कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। और आपको भी मेरी शादी के अलावा कुछ दिखाई और सुनाई क्यों नहीं देता है मौज? वाह मासी, क्या ड्रामा हुआ आज इस घर में। आई स्वेर मजा ही आ गया। और वो जो एंड में रितेश को थप्पड़ पड़ा इंदु से, आई जस्ट विश वहां पर कोई मीडिया वाला होता। कल हर न्यूज़पेपर में उस रितेश का लाल गाल छपा होता। सच में ब्रो, पर ब्रो जब मासी ने मुझे ज्वेलर को फोन लगाने को बोला ना, एक सेकंड के लिए तो मेरी हालत ही टाइट हो गई। अरे बेटा तेरी मासी ने कच्चे खेल नहीं खेले हैं। जिस दिन तू गहने लेकर आया था ना इस घर में, मैंने उसी दिन जिग्नेश भाई को फोन करके सारा प्लान समझा दिया था। मुझे पता था एक ना एक दिन ये बवाल तो उठना ही है। क्या बात हाँ? तो मासी, पर नेक्स्ट अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी है। उस इंदु की खुशियों में आग लगनी तो अभी बाकी है। उस सड़क छाप बच्ची को मैंने फिर से सड़क पे ना ला दिया ना तो मेरा नाम भी काम मल्होत्रा नहीं। करेक्ट। देखा ना, मैंने एक न्यू डांस अब सीखा है। सूर मैं बाद में देखूंगी। मौज उठो ना, देखो ना मेरा डांस स्टेप। मौज देखो ना, मौज चलो ना। जून क्यों परेशान कर रही है? एक बार मैंने तुझसे कहा ना मैं बाद में देखूंगी तो समझ में नहीं आ रहा है। इंदु, जून मम्मा ना बिजी है तो आप ना मुझे अपना डांस स्टेप दिखा दो, फिर हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, बाद में मौज को दिखाएंगे, ठीक है? लेकिन मौज बीबी, पहले आप मुझे दिखा दो, फिर हम दोनों मिलकर मौज को दिखाएंगे ना, ठीक है? चले आज। देखा ना तूने क्या बना दिया उस रितेश ने मुझे। इंदु रिलैक्स, सुन सुन। कैसे रिलैक्स करूँ? वो आदमी मेरी बच्ची को मुझसे छीनेगा और
फैमिली झूठी है, मक्कार इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म के लोग, खुद में कोई संस्कार कोई कल्चर कुछ नहीं है, वो बच्ची को क्या खाक सिखाएंगे। एक दिन अर्जुन को उस घर में नहीं रहने दूंगा। लेकिन तू करेगा क्या? तू क्या कर सकती है? तू क्या कर सकती है? पता नहीं। नहीं पता तो इतनी हाइपर क्यों हो रही है? वो गुस्से में बकवास कर गया होगा, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दे, और ऐसे थोड़ा देर को वो जून से अलग कर देगा। वो बहुत बड़ा आदमी है विवेक, वो कुछ भी कर सकता है। वो सुपरस्टार है तो क्या हुआ? मैं भी एक माँ हूं, उसकी तरह पावरफुल नहीं हूं, लेकिन मेरी ममता में इतनी ताकत है कि मैं अपनी बच्ची की रक्षा कर सकूं। जून मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे जून से अलग नहीं कर सकती। कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन जून को उस इंदु रैना से अलग करके ही रहूंगा। ए, ब्लैक एंड व्हाइट, यहां क्या घूम रही है? हाँ, बप्पा के दर्शन के लिए अब कोई आने वाला नहीं है, तो जाकर हॉल साफ कर समझी, और वो कल की आरती के लिए सारा सामान इकट्ठा करके पूजा घर में रख देना, आरती करते ही विसर्जन होगा समझी। चल फुट यहां से। कहां से आ जाता? गुड जॉब, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बहुत खुश नजर आ रही हैं। तो तू भी खुश हो जाओ, ये देख। तू क्यों परेशान कर रही है? कहा ना मैंने तुझसे कि मैं बाद में देखूंगी, समझ में नहीं आता। ये कैसे? इंदु जितने गुस्से में यहाँ से गई थी ना, मुझे पक्का पता था कि इसका कुछ ना कुछ असर तो उस पिद्दी पर जरूर होगा। क्या बात है, तो इंतजार किस चीज का है? जाके कीजिए जो करना है। ऑफ कोर्स। रितेश। हाँ बोल बोल। प्लीज रिलैक्स यार, काम डाउन, शांति से बैठ, फिर सोच के बात करते हैं, क्योंकि जितना तू समझ रहे ना भाई, चीजें उतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ प्रॉब्लम क्या है? उन सेल्फिश लोगों के बीच फंसी पड़ी है बेचारी बच्ची। जून एक दिन भी उस गंदे माहौल में रहना डिजर्व नहीं करती। राहुल रितेश, मैं अंदर आ जाऊं? और आप क्यों परमिशन ले रहे हो? आज जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी, और मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो उस मासूम बच्ची जून के लिए लग रहा है, उसे हमारी हेल्प की जरूरत है रितेश। बिल्कुल बिल्कुल कामना दी, इसलिए मैंने डिसाइड किया अब जून उस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बोल रहा है तू, अभी उसके साथ उस घर में जो हुआ वो देख कर तो क्या हुआ? ये वीडियो देख। वीडियो आपके पास? वो इंदु इतने गुस्से में घर से गई थी तो मुझे डाउट हुआ कि वो जून के साथ कहीं कुछ गलत नहीं कर दे। मेरा दिल तो सच में डर गया था जून के बारे में सोच के, इसीलिए मैंने अपना ड्राइवर उसके पीछे भेज दिया था। ये वीडियो उसी ने बनाया है, और ये वीडियो देखकर मुझे साफ यकीन हो गया है कि इंदु जून की असली माँ हो ही नहीं सकती। पता नहीं 5 साल तक बेचारी जून ने क्या क्या सहा होगा उस घर में, क्या क्या झेला होगा उसने। नहीं कामना दीप, इंदु अच्छी माँ है। क्या अच्छी माँ है, ये देखा नहीं तूने? उसकी अच्छाई ना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, असलियत यही है उसकी। अब जून माँ एक मिनट नहीं रहेगी। रितेश जोश में होश नहीं खोना है हमें, ऐसे तू जाके किसी भी बच्ची को घर उठा के नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? इंदु ने उसे अपने घर में रखा हुआ है 5 साल से, और लीगली अडॉप्ट भी नहीं किया है।
मैं तो उसे लीगली अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ कामना दी, और मैं उसे इंदु से तो हजार गुना बेटर जिंदगी दूंगा। ये तू क्या बोल रहा है हा? किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है रितेश। मेरे लिए नहीं कामना दी, ये कोई रैंडम बच्चा नहीं है, मेरी जून है। तेरी जून? यस, मेरी जून। जून से भले ही मेरा कोई खून का रिश्ता ना, लेकिन दिल से सबसे गहरा रिश्ता है। माँ के बाद एक जूनी है जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आती है कामना दी। एक अजीब सा सुकून महसूस होता है उसके साथ। वो भले ही मेरी बेटी ना हो, बेटी से बढ़कर है। और देखो, हमारे अकेलेपन ने हमें इस कदर जोड़ दिया है कि आज इंदु तो क्या, जून के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। रितेश, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन तू जो करना चाहता है ये उसका सही तरीका नहीं है। तो क्या सही तरीका है कामना दी, आप बताइए क्या करूं मैं? ये देख, ये एक एजेंसी है CAA, चाइल्ड अडॉप्शन अथॉरिटी, और ये इनकी वेबसाइट है। अगर कहीं पे भी कोई बच्चा बिना लीगली अडॉप्ट हुए किसी घर में रह रहा है तो हम इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं और ये उस बच्चे को वहां से ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अपने चाइल्ड केयर सेंटर में, और जब तक वो बच्चा लीगली अडॉप्ट नहीं होता है तब तक वो उनके केयर और प्रोटेक्शन में रह सकता है। और फिर उस बच्चे को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है? हाँ, शायद इसके लिए तो लीगल ओपिनियन लेना होगा। लेकिन आप लोग एक बच्चे को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हो? जरा जून के नजरिए से तो सोचो, जब से उस बच्चे ने होश संभाला है तब से उसकी माँ सिर्फ इंदु ही है। इंदु नहीं है उसकी माँ, उसे कैसे ट्रीट करती है तूने अभी अभी वीडियो में देखा है, और तू खुद सुन के आया कि वो उसकी सगी माँ नहीं है, और उसने अभी तक जून को अडॉप्ट क्यों नहीं किया बता? पर रितेश। हाँ रितेश, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर उस इंदु को इतनी फिक्र होती जून की तो अब तक उसको कानूनी अडॉप्ट कर चुकी होती। एग्जैक्टली। तू जतिन को फोन कर, हम जतिन से लीगल ओपिनियन लेंगे। रितेश एक बार सोच ले, इतनी जल्दबाजी सही बात नहीं है ब्रो। जल्दबाजी नहीं कर रहा राहुल, 5 साल देरी हो चुकी है। 5 साल से वो बच्ची बिचारी इंदु के काले साए में जी रही है। कॉल जतिन। कामना दी, आप वो एजेंसी को कॉन्टेक्ट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं इन्हें कॉल करती हूँ, जून के बारे में बताती हूँ। बस 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 सुन बेटा, कुछ देर और फिर चीनी रितेश आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। हेलो, चाइल्ड अडॉप्शन अथॉरिटी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल एक घर में एक 5 साल की बच्ची को बिना लीगली अडॉप्ट किए रखा हुआ है, और वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इससे पहले देर हो जाए, आप प्लीज उसे जाकर बचा लीजिए। ओके मैम, हमें इस बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगी, पर पहले ये बताइए कि कंप्लेंट कौन लिखवा रहा है। मैं रितेश मल्होत्रा की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। कंप्लेंट रितेश मल्होत्रा लिखवा रहा है। बेटा, I'm sorry. Soon, sorry. मुझे आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। बेटा, I'm sorry ना, मैं आगे से आपको कभी नहीं डांटूंगी, और आप जो कहोगे ना मैं वही करूंगी। पक्का? पक्का। तो मेरे दांत देखो, वो मेरे से डांस करो। ओके, चलो अच्छा आप मुझे सिखाओ, मैं आपके जैसे डांस कर लूंगी। अच्छा सिखाओ मुझे।
आप यहाँ? हाँ, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आप यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक नहीं। रितेश जी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब आप अपने जीनी रितेश के साथ रहोगे। रितेश, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। हटो। नहीं जू, तो आप कहीं नहीं जाओगे। रितेश, तुम्हारा मैं जून को यहाँ एक मिनट नहीं रहने दूंगा। इंदु, बहुत अच्छी बात है, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से। हटो। नहीं रितेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी बेटी को नहीं, नहीं जून बेटा, रितेश वो मेरी बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी। रितेश, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना, ले जाओ इस बल्ला को यहाँ से। छोड़ो मेरा बेटा, प्लीज आप कहीं नहीं जाओ, मेरी बेटी है वो, रितेश को यहीं रास्ता छोड़ो। जून, जून बेटा कहीं नहीं जाओगी तुम, तो मेरी बेटी हो ना बेटा। इंदु, रास्ता छोड़ो। तूने डांट दिया था, गुस्से में आकर मेरे पास सो गई। सो सॉरी पुंकी, आज के बाद बेटा आपकी मौज आपको कभी नहीं डांटेगी। मैं तुझे कभी खुद से दूर होने ही नहीं दूंगी। तुझे कोई नहीं छीनेगा मुझसे। इंदु, कोई नहीं छीनेगा तेरी पुंकी को। तेरी पुंकी तेरे पास ही रहेगी हमेशा। Yeah.